सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। निरंजन बाबू जो है आपके खाने का बहुत तारीफ करते हैं। अरे वो तो चाची जी के खाने की तारीफ करके गए हैं, मैंने थोड़ी ना खाना बनाया था। अभी भी किरण से निरंजन बाबू के बारे में कुछ पूछना जरूरी है। हम तो ये बोलते हैं बाबू जी, जल्दी से जल्दी जा करके निरंजन बाबू के घर वालों से मिलके बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे निकलो ना अभी, बस बहुत हो गया। अरे जा रहे हैं। मिल गया ना? हाँ, मिल गया पक्का। तुम्हारा पति साहब बन गया है, ले तू भी देख ले फोटो। मां मैं ये कहना चाहता था कि अगर सूरज के साथ साथ आशा भी काबिल हो जाए तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब ये शराब छोड़ दीजिए। हम तो शराब छोड़ देंगे, लेकिन शराब हमको छोड़े तब ना। बहुत ज्यादा पानी होने से हमारी जड़ें और पौधे खराब हो जाते हैं, और खेतों में नमी ना रहने की वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है तो जड़ें मर जाती है। जड़ों में हवा का प्रवाह निरंतर होना चाहिए, इससे हमारे पेड़ और जड़ें स्वस्थ रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये पंप और पाइप इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन एक बात समझ लो, ये सब एक बार का खर्चा है और सरकार का जो कृषि विभाग है वो इन सब सामानों के लिए सब्सिडी भी देता है। जी हाँ, इसमें हम 30% तक पानी बचा सकते हैं, और इसका एक फायदा ये भी है क्योंकि इसमें पौधे और पत्तियां नहीं भीगते हैं, इसलिए हम फसल को बीमारियों के प्रकोप से काफी हद तक बचा सकते हैं। अरे इसमें तो लाभ ही लाभ है प्रधान जी, इस विधि को हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं। जिस किसी कार्य से हमारे किसानों को लाभ होता है हम उसके लिए हमेशा खड़े। हमारी फसल स्वस्थ होगी तभी तो हमारा किसान खुशहाल होगा। अरे सब समझ रहे हैं, सब पता है, यही होने वाला था हमारे साथ। अरे देख लेना, अब सूरज के साथ शहर चले जाएंगे और पलट के देखेंगे भी नहीं। माँ वो खराब हो गई थी दवा। एक ही दिन में कैसे खराब हो गया, इतने दिन से तो सब कुछ ठीक था ना। सब जानते हैं कि सब तुम्हारी चालाकी है। अरे तुम पे पाबंदी जो लगा दी है सब बातों की। अरे हमारी जिंदगी के साथ तो पहले से ही खेल रही हो, लेकिन हमारी सेहत के साथ खेलोगी, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ हम कब से आपको समझा रहे हैं कि वो सब ठीक नहीं है आपके लिए। अच्छा अब तुम हमको बताओगी कि हमारे लिए का सही है और का नहीं। तनी ढील का छोड़ दी, तुम्हारा जुबान तो इतना लंबा चलने लगा है। बताओ कहाँ कहाँ फेंके हो, कहाँ फेंका है बोलती का नहीं। मालूम है तुमने कहाँ रखा होगा, पता है हमें, इसी में ही फेंका होगा। हे भगवान, देखो देखो सब सत्यानाश कर दिया। पता है तुमको कि जड़ी बूटी वाला सामान हम कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके खोजे थे, सब सत्यानाश कर दिया। पता है ना तुमको कि यही जड़ी बूटी खा के हमको राहत मिलता था। माँ जिसे आप दवा कह रही हैं वो आपके लिए जहर बन चुका है। अच्छा अब तुम बताओगी तभी हमको पता चलेगा का। अरे जहर तो तुम बन गई हो मेरी और सूरज की जिंदगी में। पता है तुमको घर का चौखट लांघने नहीं दिया ना, इसलिए बदला ले रही हो। क्या बात है माँ, ये सब क्या है? देखो बेटा तुम जिसको काबिल बनाने चले थे ना, देखो वो हमारे साथ क्या कर रही है। आशा बेटा ये सब क्या है? अरे पूरा समाज तो सास को ही खराब कहेगा ना कि बहू के पैर बांध के रखती है, लेकिन देखो जिसकी बहू ऐसी हो उसके बारे में क्या कहेंगे लोग। एक मिनट माँ, पहले असल बात पता तो चले कि ये सब हुआ क्यों है। आशा ने आपकी ये दवाई वगैरह ये सब क्यों फेंका है, इस बात का पहले पता तो चले। वाह बेटा अपनी माई की बात पे भरोसा नहीं है।
और ये पराई महारानी उसकी राय लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। आज तो साबित हो ही गया बेटा अपना और पराए के बीच में क्या अंतर होता है। अरे आज हमारा बेटा सूरज होता ना तो कब का फैसला कर दिए होते। माँ तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो, इसमें अपना पराए वाली कौन सी बात आ गई। हाँ आशा इस घर की बहू है, कोई पराई थोड़ी ना है। हाँ अब तुम तो इसकी ही तरफदारी करोगे ना, बड़े महान जो बनना है एक आदर्शवादी जेठ जो अपनी बहू को काबिल बना के समाज में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मायका चाहे कुछ भी हो। माँ हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन आप अपनी तबीयत मत खराब करिए, आप बैठ जाइए। अब गलती मानने से क्या फायदा, अब ये कूड़े कचरे में से हम अपनी जड़ी बूटी निकाल के काढ़ा बना के पियेंगे का? अरे पूरी दवाई का सत्यानाश कर दिया। माँ पहले आप आराम से बैठ जाइए, बैठ के भी तो बातें हो सकती है ना। अब आराम से कौनो बात करे जब जिंदगी में कष्ट लिखा हो। अरे माँ ये तो सही, आपकी तबीयत खराब हो रही है। बैठिए यहाँ पे बैठिए। सब समझ गए बेटा, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। जिसका भविष्य तुम बनाने चले थे ना, उसके उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तो हम ही है। तो एक काम करो ना, धीरे धीरे वो बाधा को हटा ही दिया जाए। माँ आपको जो कहना है कह लीजिए, जो इल्जाम लगाना है लगा लीजिए, आपके सारे इल्जाम सर माथे पे ले लूंगी, लेकिन इतना बड़ा लांछन मत लगाइए। अगर आपको कुछ हो जाए उससे पहले मुझे हो जाए माँ। वैसे भी हमारा है ही कौन बिना माँ बाप की बेटी हूँ। बड़े भैया ने तो शादी करके विदा कर दिया, तब से आज तक एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। जैसे उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति ले ली हो। आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारी माँ बाप है, और आपके साथ कुछ भी गलत हो उससे पहले तो सती मैया हमको उठा ले। आई देखो तो सही, इसका नौटंकी विलाप चालू हो गया। अरे ये घड़ियाली आंसू है ना, किसी और के पास बाहर आ। माँ हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। जो जड़ी बूटी आप खा रही थी उसमें फफूंदी लग गया था, इसलिए उसको फेंक दिया, क्योंकि उससे आपकी सेहत और खराब हो रही थी, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं था। और जो आप दवाई लेकर आई थी, पता नहीं वो किस बीमारी की दवाई थी, आपने ध्यान नहीं दिया है। जब से आप वो दवाई खा रही थी आपकी सेहत और बिगड़ती जा रही थी। माँ भैया माँ हमसे इसलिए नाराज है क्योंकि हमने उनकी दवा फेंक दी। भैया वो दवा एक्सपायर हो गई थी, आप तो जानते ही है ना कि किसी भी दवा की जब तारीख निकल जाती है तो वो खराब हो जाती है और वो आपको और बीमार बना देती है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। बस इसीलिए हमने उसको फेंक दिया था। और माँ बिना डॉक्टरी सलाह के बस वो दवा खाए जा रही थी। लेकिन अभी तो हम सही सलामत है ना माँ। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो देखो माँ, तुम्हारी बहू जो भी कुछ कर रही है ना तुम्हारे भले के लिए कर रही है। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सपने पूरे नहीं करने हैं, बस आप ठीक रहिए। आप हैं तो हम लोग हैं माँ। पत्नी के बीच में तो भरोसे पर ही सब टिका होता है, इसलिए उनके बीच तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो यही खातिर छबीली तुम अपने और धर्मा के बीच में क्यों को आने नहीं दी। हाँ ब्याह तो तुमरा बच गया, पर ये ब्याह से तुमको कितना सुख मिला ये पूरा गांव जानता है।
अरे चाची ये क्या बोल रही हैं आप? चुप करो तुम, बीच में बोले बिना तुम्हारा जी नहीं मानता है का? किसके रोके रुका है सवेरा? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा? अरे भौजी, हम एकदम ताजा सब्जी लाए हैं। लाने से पहले हम सब देख लिए थे, आपको कोनो खराब सब्जी थोड़ी ना देंगे। अरे ये बात नहीं है छबीली, आजकल मौसम इतना खराब है ना कि देखना पड़ता है कि कहीं कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगा है। वो बात तो है भौजी। ऐसे क्या देख रही हो छबीली? कुछ नहीं भौजी, वो आपका हार नहीं पहने आज? वो जो सिवा लेकर आया था, वो हार तो बहुत महंगा था ना, इसीलिए जतन से रख दी है कि कहीं हैरान ना जाए, इसीलिए नहीं पहने हम। हाँ भौजी, आजकल जमाना बहुत खराब है, पता नहीं किसका नजर लग जाए। हाँ हाँ बस हो गया, हमको और नहीं चाहिए। हाँ? अरे चाची जी, दाल तो पिसा गया, अब क्या करना आगे? अरे ये सब लेकर हिया काहे आए गई, अंदर रख देती ना। अरे वाह, आज सरस्वती माई अन्नपूर्णा माई बन गई है। अरे चाची जी बताइए ना, अब आगे क्या करना है जल्दी? अरे का बताए छबीली, ये लड़की पर पता नहीं कल से का भूत सवार है कि बोले जा रही हमको दही बड़ा बनाना सीखना है, दही बड़ा बनाना सीखना है। तो हम भी कह दिए कि देखो हम हाथ नहीं लगाएंगे, बस दूर से बताते जाएंगे कि का का करना है। तो देखो देखो कैसे सीख रही है, का हाल बना रखा है। वैसे भौजी, सबको खाना बनाना तो आना ही चाहिए। अरे ये बहुत जरूरी है मासी, आत्मनिर्भर होने के लिए शिक्षा तो है ही, साथ में खाना बनाना भी आना चाहिए। खाना पेट में पहुंचेगा तभी तो मन प्रसन्न रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। वैसे अगर जवान लड़की इतना मन से खाना बनाना सीख रही हो ना, तो समझ जाना चाहिए कि उसके मन में कोई सुंदर वर बस गया है। वैसे भौजी, हमें तो लगता है कि आपको बहुत जल्द कन्यादान करने का सौभाग्य मिलने वाला है। हमरा बस चले तो हम ई नागिन को अब घर से बाहर निकाल दें, लेकिन का करे, ई हमरे बेटा के जायदाद के आधा हिस्सा पर कुंडली मार के बैठी है, यही खातिर झेलना पड़ रहा है इसको। अरे भौजी का सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमको ई सौभाग्य मिलेगा। अच्छा एक काम करो, इसी में इतना फेटो ही उदाल, इतना फेटो कि इसमें हवा भर जाए, समझी? फेटो। बढ़िया है भौजी, ससुराल जाने से पहले बेटी को सब सीख लेना चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले मायके वालों पर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अरे हमारी चाची और चाचा के खिलाफ कोई बोल के तो दिखाए मौसी, फिर देखना हम क्या करते हैं। हम तुम्हारे यही क्रांतिकारी सोच से तो इतना डरते हैं कि का बताएं तुमको। अरे छबिलिया, माई बाबू यही चाहेंगे कि थोड़ा सह के बिटिया अपनी ससुराल में सुखी रहे, पर नहीं, आजकल के लड़का लड़की एकदम फेरेंट हुए पड़े हैं। हमरे समय में तो ये सब नहीं था भैया। लेकिन चाचा तो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। का कुछ बोली का? नहीं चाची जी, एक तरीके से देखा जाए तो भौजी ये सब ठीक है, आजकल के लड़का लड़की दोनों बहुत समझदार हैं और अपना अच्छा बुरा सब सोच समझ कर फैसला करते हैं, और पति पत्नी के बीच में तो भरोसे पर ही सब टिका होता है, इसलिए उनके बीच तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो यही खातिर छबीली तुम अपने और धर्मा के बीच में क्यों को आने नहीं दी? हा? अच्छा तुमको तो पहले से पता था कि धर्मा शराब पीता है।
पहले छुप कर पीता था, अब खुलेआम पीता है। ब्याह तो तुमरा बच गया, पर ये ब्याह से तुमको कितना सुख मिला ये पूरा गांव जानता है। अरे चाची क्या बोल रही हैं आप? चुप करो तुम, बीच में बोले बिना तुम्हारा जी नहीं मानता है का? यही गलती हो गई तुमसे चिपी की, हाँ? कि तुम जो शादी ब्याह को लड़का लड़की के बीच का रिश्ता समझी। अगर ये रिश्ता तुम दोगो परिवार के बीच में समझी होती ना, तो आज तुमको जो घर घर जाकर ये सब बेच कर गुजर बसर करना पड़ रहा है ये ना करना पड़ता। यही तो सब लोग समझाते हैं कि आज से मायका नहीं ससुराल तुम्हारा अपना घर है, और वही औरत जब ससुराल आती है तो उसे वहाँ पराया समझा जाता है। इतना बड़ा संसार तो रच दिया भगवान जी आपने, पर एक बेटी के लिए एक घर नहीं बनाया। आशा की जगह रख कर देखो अपने आप को, वो इस घर की बहू है। जितना प्यार और अधिकार तुम्हारा इस घर पर है उतना ही उसका भी है। नादान समझ के माफ कर दो ना एक बार आशा को। किसके रोके रुका है सवेरा, ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे जहर तो तुम बन गई हो मेरी और सूरज की जिंदगी में। आशा ने आपकी ये दवाई वगैरह ये सब क्यों फेंका है इस बात का पहले पता तो चले। वाह बेटा, अपनी माई की बात पे भरोसा नहीं है, और ये पराई महारानी उसकी राय लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये कैसा जीवन रच दिया विधाता, एक लड़की का आपने इतना रूप, एक औरत समझना भी चाहे तो ना समझ पाए। बेटी बहन माँ पत्नी सास सब औरतें ही तो है। आज माँ जी ने जो कुछ भी कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे ये तो उनका अधिकार है, और इस बात का गलत क्या मानना। एक ब्याह के बाद यही तो सब लोग समझाते हैं कि आज से मायका नहीं ससुराल तुम्हारा अपना घर है, और वही औरत जब ससुराल आती है तो उसे वहां पराया समझा जाता है। इतना बड़ा संसार तो रच दिया भगवान जी आपने, पर एक बेटी के लिए एक घर नहीं बनाया। माँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती, और ना मैं आशा का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जरा सोचिए माँ, आशा ने जो कुछ किया ठीक ही तो किया। लेकिन बेटा एक बार हमको बताना तो चाहिए था। अरे कम से कम एक बार हमें पूछ लेती तो थोड़ी छोटी हो जाती, हम उसके दुश्मन थोड़ी ना है। अगर घर में कोनो चीज खराब हो रही हो तो जानबूझ के हम उसको अच्छा थोड़ी ना कहेंगे, अगर हमें पता होता तो हम खुद ही फेंक देते। हाँ माँ इस बात में आशा की गलती है, एक बार जरूर आपसे पूछना चाहिए था। वही तो बेटा, हमें बस इसी बात की तकलीफ है। आज तक घर में जो भी हुआ है बिना हमारी जानकारी कुछ नहीं हुआ है। अरे तुमरे बाबूजी वो भी कोनो काम करते थे ना, तो एक बार हमारी राय जरूर लेते थे। लेकिन यहाँ देखो किसी को हमारी कोनो बात से मतलब ही नहीं। माँ तुम्हारे बिना तो इस घर का ही कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ एक बार आशा की जगह रख कर देखो अपने आप को,
वो इस घर की बहू है। जितना प्यार और अधिकार तुम्हारा इस घर पर है उतना उसका भी है। हो सकता है कि उसी अधिकार की वजह से उसने नहीं पूछा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। माँ माँ नादान समझ के माफ कर दो ना एक बार आशा को। ठीक है बेटा, लेकिन नियत का भीतर घुस के थोड़ी ना जान सकते हम। भरोसा तो किया जा सकता है ना माँ, बिना भरोसे के तो अपने भी पराए लगने लगते हैं। जी राम राम। अरे राम राम सुबेदार जी, आइए ना। हाँ, आई? हाँ। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे ना जी सुबेदार जी, बस भगवान की कृपा है और कैसे होंगे। अच्छा आप बताइए, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ आए। वो कहा है कि गांव में स्वयं सहायता समूह बना है ना, तो वो है मैं थोड़ा व्यस्त है। वो छबेली हमें बता रही थी आपके बारे में। अच्छा, आप कितना सबके बारे में सोचते हैं। अभी गांव में आपसे अच्छा तो और कोई है नहीं जो इस जिम्मेदारी को समझ सके। कहां भौजी, बस थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। जौन काम से 10 लोगों का भला हो वही काम सबसे अच्छा है। अब हमें को देख लीजिए ना, अगर आप आगे बढ़ के हमको रास्ता नहीं दिखाए होते घर से बाहर निकल कर रोजी रोटी कमाने का, तो हमारा का होता भगवान ही जाने। कैसे अपने बच्चों को पालते। अरे ऐसा काहे कह रहे हैं भौजी, अब सब दिन एक समान तो होता नहीं है। अब हम चाहें तो अपने हार को भी जीत में बदल सकते हैं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, लेकिन कुछ नया तो किया जा सकता है ना भौजी। हम क्या कह रहे हैं ना भौजी कि अब देखिए ना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू हो गया गाँव में, तो आप भी काहे नहीं आती है वहाँ पे। नौकरी आप करने ही लगी हैं और कमा ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाइएगा तो फिर आप ही का ना भला होगा भौजी। सुबेदार जी, समाज से बाहर निकल के हम नौकरी कर रहे हैं, अब ये बात से कितने लोगों को आपत्ति है। अब अगर हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आ जाएं तो फिर क्या होगा आप भी जानते हैं ना। लोगों की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। ठीक है, आप प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में नहीं आना चाहती हैं, बताइए आप अपने घर में रह के यहीं पे पढ़ा लिखना तो सीख सकती है ना। हम यहाँ रह के कैसे पढ़ लिख सकते हैं। हम सिखाएंगे आपको कुछ। देखिए हम क्या लेकर आए आपके लिए। ये देखिए, ये कॉपी है, ये कलम है। आपको कुछ नहीं करना भौजी, आप घर पे जैसे रंगोली बनाती है ना, बस उसे ही बनाना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए, ऐसे बन गया गोला। अब सुबेदार जी, ये पढ़ लेके हमको क्या फायदा, अब जिंदगी तो कट ही रही है ना भौजी। कुछ चीजों का जो फायदा है ना वो बाद में दिखता है। अब हम बीज लगाते हैं तो पौधा बड़ा होने में टाइम तो लगता है ना, फल देने में भी टाइम लगता है। यही बनाना है, इसको बनाना सीखिए। जे बात, ठीक है, कितना आसान है कि नहीं। अब आपको हम अक्षर लिखना सिखाते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। इसको कहते हैं कौ। का। हाँ कौ, देखिए कितना आसान है। ऐसे ही आप परेशान हो जाते झूठे मुठ के। अब आप ऐसे ही लिखिए, देखिए ऐसे ही धीरे धीरे आपको पूरा वर्णमाला सिखा देंगे। कितना बढ़िया लिखे हैं आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारा हिसाब कर दो तुम, हम अभी चले जाते। तुम्हारा सब हिसाब किताब पूरा हो चुका है। इजर भौजी के गली में जो मोटा सोना कहा है, कहां से लाए हो बताओ। हां इजर, किसका जज्बा का गला घोट के लाए बताओ।
अम्मा आखिर बात क्या है, साफ साफ कहोगे? साफ साफ बात ही है मास्टर साहब कि जो हार है ना, छबिलिया का खानदानी पुश्तैनी हार है। जो ये आपका जब बेईमान बेटा है ना, हमसे खाली चार को दारू के बोतल के अवज में हड़प लिया। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह।